शहडोल में नाबालिग बच्ची की रेप कर हत्या के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। जिला ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में मांग करते हुए पुलिस की कार्यवाही पर न केवल सवाल खड़ा किया बल्कि कुछ लोगों को इस मामले में पुलिस द्वारा बचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही मुख्य आरोपी शिवेंद्र की संपत्ति जब्त कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 10 दिवस के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, जैतपुर थाना क्षेत्र में एक 29 वर्षीय पूर्व शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ 1 साल तक शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी थी।